धर्मराज भाई, एक दो चीजें कह दूं। एक मेरी दर्शक कह रही हैं कि किरण रिजिजू सेड डिस्कसिंग नीट इशू इन पार्लियामेंट इज नॉट रिस्पेक्टफुल टू पार्लियामेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सच इलॉजिकल, मतलब वो कह रहे हैं कि ये संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं रहेगा अगर नीट की बात हो जाए। मतलब देश में इतने बच्चों का भविष्य लटका हुआ है, आप उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ये संसद की गरिमा कम होगी। ना बात करने से शायद संसद की गरिमा कम हो जाएगी, कि उसका वो बिल्कुल इनसेंसिटिव है, उसको कोई मतलब नहीं है कि देश में क्या हो रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसका क्या हो रहा है। एक दूसरा, जरा मैं आपसे एक चीज इसलिए भी पूछ लूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बाकी तो जो करवाएं करवाएं, क्या आपको कहीं से भी टेक्निकली लगता है कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार है? क्योंकि पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कि एक पार्टी का 272 से ज्यादा बहुमत, ये गठजोड़ की सरकार है। अब राष्ट्रपति कह रहे हैं कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, तो क्या ये टेक्निकली सही है? मैं इस पे भी आपका एक वक्तव्य चाहूंगा। और मैं वो खड़गे जी की, अगर मेरे पास क्लिपिंग है तो मैं दिखा देना चाह रहा हूं, मुझे कष्ट है उस बात का। एक इतने सीनियर आदमी को अगर ये अपने अपनी अपने दर्द को अगर आके कहना पड़ा, अगर वो हो तो दिखा दीजिए। खड़गे जी की बात पे सिर्फ इसलिए दिखा दे रहा हूँ, वो मेरे पास आज क्लिप थी, मैं दिखाना स्टूडेंट्स पहले बहुत भूल गया था, परेशान वो है दिखा। सर। सर नीट का सर, सर, एग्जामिनेशन बार सर, बार नहीं, आई 7 साल में 70 बार सर, पेपर लीक सर, होता आई है, डू नॉट तो क्या नथिंग है? विल गो ऑन सात रिकॉर्ड, साल में नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, 70 आई एम नॉट गेटिंग, नो नो, लीडर ऑफ द अपोजिशन इज एक्सपेक्टेड टू कन्फाइन टू द इश्यू, नो सॉरी सर, सॉरी प्लीज सर, सर सर बैठिए बैठिए बैठिए, प्लीज 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 टेक योर सीट, टेक योर सीट, डॉक्टर नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मैं सिर्फ इसलिए दिखा दिया था कि ये भी दस्तावेज रहे कि किस तरह से खड़गे साहब को रोका गया था। अब मैं आ जाता हूँ राष्ट्रपति जी, फिर धनराज जी का कनेक्शन टूट गया, वो जब तक आए तब तक राकेश, डॉक्टर राकेश, एक चीज मैं आपसे पूछ लूँ, ये इमरजेंसी को लेके इतना बवाल क्यों काट रहे हैं? क्योंकि हर बात पे इमरजेंसी, प्रधान वो राष्ट्रपति भी इमरजेंसी पे लग गई हैं। और कल एक अजीब सी चीज ये हुई, पहली बार ऐसा देखा गया कि स्पीकर ही निंदा प्रस्ताव ले आ रहा है। मतलब स्पीकर को तो किसी भी पार्टी का नहीं होता है, वही इसकी निंदा करने का प्रस्ताव। धर्मराज भाई आ गए, धर्मराज भाई आप अपनी बात कह लें, क्योंकि धर्मराज भाई देखिए, पहली बात तो आनंद भाई, आपने ये जो बात कही कि ये सरकार जो है गठबंधन की सरकार है, किसी भी किस्म से इसे जो है बहुमत नहीं मिला, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये सरकार जो है, ये सरकार बुनियादी रूप से इस बात को स्वीकार करने से वो इनकार कर रही है, लेकिन नैतिक रूप से जो है, ये जो चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश है, मेरा स्पष्ट मत है। क्योंकि ये वही सरकार है, वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये नारा दिया था, आपकी बार 370 पार, आपकी बार जो है 400 पार, और जिनकी पिछली संसद के अंदर जिनकी खुद की जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थी वो 303 थी, वो घटकर 240 पर पहुंच गई। और आंकड़े, आज समय नहीं है इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई हम चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं आज के विषय में, तो इस पर जो कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे ये स्पष्ट हो गया है उन्होंने जिस किस्म से चुनाव प्रचार के दरमियान जो मुद्दे उठाए थे, जितनी ज्यादा उन्होंने नफरत की, विभाजन की और निम्न स्तर के मुद्दों पर इन चुनाव के अभियानों को केंद्रित रखा था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है अयोध्या है, जहां उनको उनकी करारी शिकस्त मिली। और इसीलिए ये जनादेश मेरी नजर में पूरी तौर पर जो है मोदी की सरकार के खिलाफ था, क्योंकि उन्होंने हर चीज पर गारंटी की बात की थी। तो केवल उस नजरिए से अगर देखेंगे, हालांकि इनसे कोई मॉरलिटी की उम्मीद नहीं की जा सकती, नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती, और जोशी जी ने जो है उनके नैतिक चरित्र के बारे में बड़े शानदार तरीके से विश्लेषण किया है, मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतरीन विश्लेषण था। तो इसलिए ये सरकार विशुद्ध रूप से इनकी नैतिक पराजय थी, लेकिन जब ये बनी ये सरकार निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार थी। और पहली बार हमने जो है प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंदु से ये सुना, जब पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई, पर किस तरीके से जो है चंद्रबाबू नायडू के सामने वो दंडवत थे, नीतीश कुमार जी के सामने दंडवत थे, और उन्होंने कहा कि भाई लोग पूछ रहे हैं कि ये क्या सरकार, तो बोले पहले भी एनडीए की सरकार थी, आज भी एनडीए की सरकार है, आगे भी एनडीए की सरकार है। तो ये उनके मुखारबिंदु से पहली बार एनडीए की सरकार शब्द हमने सुना, क्योंकि वो तो भाजपा की सरकार भी नहीं, मोदी की सरकार।
तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो टोन है, जो बात आपने कही, वो टोन स्पष्ट रूप से दिखा रहा है, जिसका जिक्र जोशी जी ने कहा कि ये इस बात को आज भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ये नैतिक रूप से उनकी पराजय करने वाले जनादेश के बाद गठबंधन में दो बैसाखियों के सहारे बनी हुई सरकार। और इसीलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो पूरा तथ्य है उसमें वही अहंकार, जिस अहंकार को भारत की जनता ने इस जनादेश के जरिए पराजित किया, जिस अलोकतांत्रिक अमर्यादित आचरण और व्यवहार को, एरोगेंसी को भारत की सरकार ने इस जनादेश के जरिए पीछे ढकेला, और सही मायने में इसके जरिए ये फिर से एक बार प्रतिस्थापित किया कि हमारे देश में जनता जो है, आप कितना भी जो है सांप्रदायिक विभाजन कर लो, धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ कर लो, लेकिन भारत की जनता की बुनियादी जो आस्था है वो लोकतंत्र की गहरी जड़ों के पीछे, लेकिन उनके उस टोन में वो नहीं दिख रहा है। और वही मुझे लगता है कि आज जो संसद की जिस कार्यवाही के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके पहले दिन ही प्रथम प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को देख लीजिए आप, ओम बिड़ला साहब जब स्पीकर चुने गए, स्पीकर चुनने की प्रक्रिया में जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने किया वो देख लीजिए आप, ओम बिड़ला साहब के स्पीकर चुने जाने के बाद विपक्ष के नेता के रूप में पहली बार 10 साल के बाद एक विपक्ष का नेता मिला, राहुल गांधी ने जिस मर्यादित तरीके से उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी, और उसके बाद जब उन्होंने प्रथम संचालन शुरू किया, और संचालन शुरू करने के बाद जो है सबसे पहला जो उद्बोधन दिया उन्होंने इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल के बारे में, अरे आप वो तो आपातकाल घोषित आपातकाल था, आज तो अघोषित आपातकाल है भाई। कौन नहीं है जेल की सलाखों के पीछे? सुधा भारद्वाज नहीं थी? दो दो मुख्यमंत्री जेल के पीछे नहीं है क्या? स्टेन स्वामी जैसे को जो है जेल के अंदर जो है मौत की सजा नहीं मिल गई? तो धर्मराज जी अभी हेमंत सोरेन जेल के बाहर आ गए, बस अभी जस्ट थोड़ी देर, आज ही का खबर है। अभी थोड़ी देर पहले वही अरविंद केजरीवाल के बारे में आप देख लीजिए, जो है राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो है उनको जमानत दे दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद हाईकोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी किया कि भाई ये अप्रत्याशित है कि हाईकोर्ट ने जो है स्टे दे दिया, कोई जजमेंट नहीं दिया, बोले कि तत्काल स्टे दे दिया और बोला कि जो है अपना फैसला जो है हम रिजर्व रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया। लेकिन ये भी एक अलग बात है, ईडी से निजात मिलती उससे पहले सीबीआई धरी पर खड़ी हो गई, और सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बावजूद हाईकोर्ट ने जो है वो स्टे वैकेट नहीं किया, और उसके बाद जो है सीबीआई ने जो रिमांड मांगा रिमांड दे दिया 3 दिन के लिए। तो ये तो पूरी तौर पर अघोषित आपातकाल है। भारतीय जनता पार्टी को तो कम से कम आपातकाल पर आलोचना करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, क्योंकि इस 10 साल के दरमियान किस बात का किया जा रहा है देश के अंदर? अरे आप पार्लियामेंट के अंदर लोगों को बोल नहीं रहे, पिछले सत्र में देख लिया। और आप तो उसके बाद ओम बिड़ला जी का ये जो आचरण था, पहला जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया आपातकाल पर टिप्पणी करते हुए, उससे भी ये प्रकट हो रहा है कि ये सरकार जनादेश की असली व्याख्या को स्वीकार करने के लिए तैयार है। और उसके बाद ओम बिड़ला साहब का जो एरोगेंसी है वो आप देख लीजिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं जो है पिछले सत्र में भी, पिछले बार भी मैंने कहा था, आज भी मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर स्पीकर खड़ा हो जाता है तो फिर जो है सारे माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिए, और एक बार मैं ये बता रहा हूं, दोबारा मुझे ये कहने का अवसर ना मिले। इज इट अ लैंग्वेज ऑफ स्पीकर? ये क्या लोकसभा अध्यक्ष की भाषा है? और ये जगदीप धनखड़ जी का अभी जो आपने वीडियो दिखाया मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में, वो क्या क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी बुनियादी रूप से इस जनादेश में जो जनता ने संदेश दिया उसे स्वीकार, मतलब वो हजम नहीं कर पा रहे। और इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर आज जो हुआ, मुझे लगता है कि वो देश के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक संकेत। जो आशंका हम चुनाव के पहले जाहिर कर रहे थे कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी कि अगर ये पीछे हट जाए, सरकार बनाने का अवसर न मिल पाए, तो ये किस एक्सट्रीम में जा सकते हैं, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने जोड़ तोड़ करके अब जब सरकार बना ली, और अब जो आचरण और व्यवहार वो कर रहे हैं, नीट तक पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, भाई आप देश के स्टूडेंट्स पर बात करने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब है आगामी दिन जो है भारतीय राजनीति के अंदर पार्लियामेंट के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा वही बात सही है कि आप जो है संसद का बिजनेस सेशन कितना बेहतर तरीके से चल रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसलिए कि बिजनेस चलाना सरकार का जिम्मेदारी है। असली बात यह है संसद जो है लोकतंत्र है, वहां जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए। भारत की आवाज
हिंदुस्तान की आम आवाज की आम जनता की आवाज कितना संसद सुनता है और कितना संसद में वो सुनाई पड़ती है उसके आधार पर तय होता है कि पार्लियामेंट का कैरेक्टर क्या है, पार्लियामेंट का स्वरूप क्या है और संसद सही मायने में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैं आपसे पूरी तौर पर इत्तेफाक रखता हूं, जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस का जो टोन है उस टोन में वही एरोगेंसी दिख रहा है। और ये जो बात जोशी जी ने कही बिल्कुल सही है, अभी भी वो जो अहंकार है और कौन चला रहा है रिमोट के जरिए, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस इसके जरिए ये उम्मीद थी कि भारत केवल वो नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक इंट्रोस्पेक्शन होगा, लेकिन वो इस इंट्रोस्पेक्शन कहीं दिखता नहीं है और अंत में यही दिख रहा है कि ये जो है कॉरपोरेट की ही सरकार कल भी थी आज भी है और आगे भी जो है कॉरपोरेट के आधार पर ही कॉरपोरेट कम्युनल एक्सेस और वही एरोगेंट के तरीके से चलाने की कोशिश हो रही है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और देश के भावी लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं। जी